सुबह 5 बजा है और हम लोग रेडी हो रहे हैं, गाड़ी लेके जाएंगे मुंबई टू ओडिशा, भुवनेश्वर तक जाएंगे गाड़ी लेके। यहाँ पे हमारा क्यू टूर भी है डांस करते हुए। तुझको देखने वाला होश में कहीं जोश न देखने वाला, बस इसकी डांस हो गई। और मम्मी क्यूट हबी को पकड़ के प्यार करते हुए। यहाँ पे हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया और हम लोग निकल पड़े हाई स्पीड से। आगे आपको बताता हूँ, मुंबई का रोड आ गया, देखो मुंबई का बिल्डिंग देखो, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में जैसा लग रहा है कितना छोटा छोटा घर में लोग कैसे रहते हैं। फिर आगे निकल पड़े, नदी पहाड़ अभी घाट पानी सब क्रॉस करके जाएंगे। अभी आगे घाट आ जाएगा, कसारा घाट, ये घाट पे सावधानी से जाना पड़ता है। घाट क्रॉस करने के बाद आ जाएगा समृद्धि महामार्ग, द मोस्ट अवेटेड समृद्धि महामार्ग, 800 किलोमीटर हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे एकदम, 800 किलोमीटर तक लंबा हम चलेंगे अभी नॉन स्टॉप। यही तो बड़ा एडवांटेज है इसी रोड को चूज करने के लिए। तो यहाँ से देखो व्यू कितना अच्छा दिख रहा है, अभी मम्मी बहुत खुश है, अच्छा लग रहा है। अभी तो सो गए शायद और भी इधर खड़े होकर देख रहे हैं नज़ारा। तो देखो 4 लेन है, मस्त, आगे ना गाड़ी है ना पीछे गाड़ी है। कितना स्पीड में 150-200 वो रिकमेंड हम नहीं करेंगे, ना स्पीड आपको दिखाएंगे, आप आपका सेफ्टी के हिसाब से गाड़ी चलाओ, आराम से चलो और अपना गंतव्य स्थल तक पहुँच जाओ अच्छे से। तो यहाँ से देखो कितना हम कितना स्पीड, मतलब नहीं है स्पीड तो नहीं बोलेंगे हम, फिर से दोबारा हम अपना स्पीड से चल रहे हैं। आप जब चलाओगे आप आपका कंट्रोल में चलाओ। आगे 2-3 गाड़ी जा रहे हैं, हम आराम से जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गया था तो मम्मी ने भी थोड़ा गाड़ी चलाए। फिर 800 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ गया, महाराष्ट्र क्रॉस हो गया फिर छत्तीसगढ़ आ गया। छत्तीसगढ़ में मम्मी थोड़ा ड्राइव कर रहे हैं लोकल रोड में। ये हम घूमने के लिए आए ना, क्या यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक लगा था तो मम्मी ट्राई किए। फिर ये ब्रिज क्रॉस करके जंगल का रोड आने वाला है लगता है। शाम का वक्त था, सुबह अभी रात को हमने कहीं रुके थे होटल में और अभी नेक्स्ट डे सुबह सुबह रेडी हो गए। अभी छत्तीसगढ़ पार होके फिर अब ओडिशा आ जाएगा। 8-9 घंटा ड्राइव करने के बाद फिर शाम हो गया, शाम होने के बाद ओडिशा टच हो गया चांदवाली, आके हम ओडिशा में टच कर गए और मम्मी उन भी सब खुश हैं, गांव पहुंच गए।